Good morning, class 8. How are you, students? Students, as yesterday we did questions up till number 12 of exercise 12A. Today I am going to solve question number 13, 14 and 15, and after that this exercise will be finished. And then we will start inverse variation. These all sums are from direct variation, and now the next exercise will be of inverse variation. तो जैसा कि आप सबको पहले ही क्लियर है कि ये सारे सम्स डायरेक्ट वेरिएशन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि अगर 12 कार्डबोर्ड की थिकनेस 65 mm है तो 312 बोर्ड्स की थिकनेस कितनी होगी? कम बोर्ड्स हैं तो थिकनेस कम है, बोर्ड ज़्यादा हो जाएंगे तो थिकनेस ज़्यादा होगी, मतलब लेस लेस मोर मोर रिलेशन, डायरेक्ट सॉल्यूशन इनडायरेक्ट यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर कुछ लोग सुरंग खोद रहे हैं, ट्रेंच खोद रहे हैं। 11 लोग मिलके एक दिन में 6 3x4 मीटर लंबी ट्रेंच खोदते हैं। देखो इसमें एक दिन भी ऐड किया गया है, उस वन डे को कहीं पर आपको यूनिट नहीं मानना है, क्वांटिटी नहीं मानना है। क्वांटिटी हमें मानी है लेंथ ऑफ ट्रेंच यानी सुरंग की लंबाई और लोगों की गिनती नंबर ऑफ मैन। तो 6 3x4 मीटर लंबी ट्रेंच 11 लोग एक दिन में खोदते हैं। अगर आपको 27 मीटर लंबी ट्रेंच को बनाना है तो कितने लोगों को लगाना होगा? सबसे पहले उसको कन्वर्ट करेंगे 6 4 24 और फिर 27 बाय 4 मीटर, 27 बाय 4 मीटर, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन है 27 का चौथा हिस्सा, तो ये कम है और ये ज़्यादा है। कम है तो कम लोग करेंगे, ज़्यादा है तो ज़्यादा लोग करेंगे काम। अब यहाँ पर एक लड़की है जो कि 30 मिनट में 540 वर्ड्स टाइप करती है टाइपराइटर से। अगर वो 8 मिनट में टाइप करे तो कितने वर्ड्स टाइप करेगी, ये आपको पता लगाना है। तो उसको ज़्यादा समय मिला उसने ज़्यादा वर्ड टाइप कर लिया, कम समय मिलेगा तो कम वर्ड टाइप करेगी। तो लेट अस स्टार्ट रिलेशन डायरेक्ट सॉल्यूशन क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 × x = 65 × 312। सो एक्स की वैल्यू 65 × 3 × 1 = 12 3 × 3 = 4 3 × 4 = 4 2 × 8 = 6 25 × 26 x2 = 65 × 26 mm मल्टीप्लाई करके हमें बता दीजिए 65 × 26 1690 mm। आप चाहो तो इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, अगर नहीं भी करते हो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। द थिकनेस ऑफ 312 कार्डबोर्ड इज 1690 mm, ठीक है। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है पर हम आंसर एमएम में छोड़ देंगे। अभी यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करना है, 27 × x = 27 × 11। यहाँ से x की वैल्यू निकालना है 27 × 11। अभी 27 × 4 जब इधर से इधर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आपके डिवाइड होगा तो वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि 4 ऊपर आ गया और 27 नीचे। 27 कैंसिल हो गए 27 के टेबल पे और x आ गया 11 होगा 44 men। देखिए इलेवन मंथ कर रहे थे काम तो 27 का फोर्थ हिस्सा कंप्लीट हुआ था, 27 का फोर्थ हिस्सा सुरंग खोदी गई थी, और जब 44 मंथ करेंगे तो पूरा 27 मीटर की सुरंग खोदी जा सकती है। कम टू नेक्स्ट, यहाँ भी वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई 30 × x 540 × 8। लाइट हैज गॉन, आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज विजिबल और नॉट। Oh no, it is not visible. But let me solve बाद में देखते हैं क्या करना है। X is equal to 540 into 8 upon 30. 18. X is equal to 8 is 64, 4 carry 6, 8 ones are 8 or 4, 14. 144 words. Can you see? Let
मैं मिनिमाइज माय वर्क, दोबारा बनाना पड़ता है इसलिए। देखिए मेरा कुछ दिख रहा है, 30 मिनट में 540 वर्ड्स, 8 मिनट में कितने वर्ड आ जाएंगे? 30 into x is equal to 540 into 8, x is equal to 540 into 8, upon 30 यहाँ into था, divide हो गया, cancel करके 144 words आपका answer आ गया। light आ गई है, देखते हैं अगर clear होगा तो ठीक है, दोबारा बना देंगे। This is the see time and words, 30 minute में 540 words type होते हैं, 8 minute में how many words? The girl will type. रिलेशन डायरेक्ट है, सॉल्यूशन क्रॉस मल्टीप्लाई से होगा, 30 इनटू एक्स इक्वल 540 इनटू ए, सो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स को ये रहने दिया 540 इनटू ए, और ये 30 जो यहाँ इनटू था इधर आके डिवाइड हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 और 3 18, 3 का 54 एंड 18 इज द 144, सो 144 वर्ड्स द गर्ल विल टाइप इन 8 मिनट्स ओनली। Okay, this is your answer. Class 12 exercise finished. Now tomorrow we will start reverse variation. So copy down all the sums and complete your work. Thank you class. Have a nice day.